जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने दक्ष, बताओ क्या बात है? बानी, तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटानी थी। ये रहे मिस्टर वालिया के प्रॉपर्टी के कागज, जो पापा ने एक हथियार बनाकर तुमसे काम निकलवाया था। दक्ष, पर ये तो सिक्योरिटी पेपर्स है। मिस्टर वालिया एक ईमानदार इंसान है, वो कैसे कुछ वापस कर देंगे? तुम इन्हें ले लो, वरना ये मेरी आत्मा पर एक बोझ बनकर रहेंगे। नहीं दक्ष, मैं इन पेपर्स को नहीं ले सकती, क्योंकि इन पेपर्स को लेने के लिए सबसे पहले मुझे मिस्टर वाले को सच्चाई बतानी होगी, और मैं अब तक मिस्टर वाले को सच्चाई नहीं बता पाई। दक्ष, अगर तुम ये पेपर्स मुझे दे दोगे तो और चार सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं इन्हें कैसे रखूं? दक्ष, अगर तुम ये पेपर्स लौटाना ही चाहते हो तो मिस्टर वाले को दे दो। अगर मैंने ये पेपर्स ले लिए तो शायद मिस्टर वालिया के मन में हम दोनों के रिश्ते के बारे में दोबारा गलत नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। दक्ष, अब मुझे निकलना होगा। अगर मैं अभी नहीं गई और मिस्टर वालिया को सारी सच्चाई नहीं बताई तो हम दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो सकती है। मैं चलती हूँ। यही सही मौका है। पानी कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। मुझे जय भैया को सबूतों के साथ पानी का सच बता ही देना चाहिए। जय भैया, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कमाल है, आज क्या हो रहा है? सब किसी को मेरे से जरूरी बात करनी है, पहले पानी और अब तुम। क्या कहना है, जल्दी बताओ, मुझे पानी को मिलने जाना है, वो इंतजार कर रही है। जय भैया, दरअसल मैं पानी के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या? जय भैया, कुछ ऐसा सच है कि मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ जय भैया, कहने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? जय भैया, आई ऑल राइट? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ बच्चों को? किसी ने बच्चों को किडनैप कर लिया। हुआ ये सब तुम्हारे होते हुए कैसे हुआ ये सब? मैं बच्चों को लेकर वापस आ रहा था कि मुझे घेर लिया और उसमें से किसी ने निकलकर मुझ पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो बच्चे मर रहे थे साहब। इसमें क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? What the hell is going on? ये सब कौन कर रहा है? कहाँ होंगे मेरे बच्चे? जय, घबराओ मत, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उन्हें जल्दी बच्चों का पता लग जाएगा।
कहाँ होंगे मेरे बच्चे? सर मैंने आपको फोन किया था। सर वो क्या है, बच्चे आज ड्राइवर के साथ बाहर गए थे। अगर ऐसा है तो फिर वो लोग किसी भी हाल में आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। आप बिल्कुल परेशान मत, आपके मोबाइल, आपके लैंडलाइन फोन वो सब चेक किए, आप बेफिक्र होंगे उनके पास। जय पुत्र, संभालो अपने आप को। मैं अपने आप को तो फिर भी संभाल सकता हूँ दादी, लेकिन जब बानी को ये सब पता चलेगा तो मैं बानी को कैसे संभालूंगा? मैं बानी का फोन ट्राई कर रहा हूं पर लग नहीं रहा है। जय मेरी बात सुन रहे हो? जय मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन रहे हो? जय मैं बानी का फोन ट्राई कर रहा हूं, लग नहीं रहा है। जय प्लीज मेरी बात सुनो, बानी अभी वहीं उसी रेस्टोरेंट में होगी, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी कि तुम बच्चों को लेकर वहां पहुंचोगे। उसने अपना व्रत भी नहीं तोड़ा होगा। जय प्लीज से मिलो, से मिलकर बताओ कि बच्चों के साथ। जय पानी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, प्लीज जय जाओ पानी से मिलो और ये बात बताओ। एक्सक्यूज मी मैडम, मिस्टर वालिया आ गए हैं। ठीक है। वहीं रुके, वहीं रुके प्लीज। भगवान मुझे आशीर्वाद दे कि मैं सदा सुहागिन रहूं। अब क्या हुआ, इतना उदास चेहरा लेकर खड़े मत रहिए। आपको लगता है मैं मान जाऊंगी? मैं नहीं मानूंगी। आपने बहुत तंग किया है मुझे। आपको पता है आपने कहा था आप 8 बजे आने वाले थे,
10 बज चुके हैं, 2 घंटे वेट कर रहा है। I'm sure. उन शैतानों के साथ मिलकर आपने प्लान बनाया था ना? कहाँ है वो दोनों? कान पकड़ कर डांटूंगी, बुलाइए उन्हें। पानी, बच्चे। हाँ, कहाँ है कृष्णा अथर्व? पानी, बच्चे किडनैप हो गए। ऐसी बातें कर रहे हैं आज करवा चौथ और ऐसे मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। देखिए, आपने पहले ही बहुत बहुत परेशान किया है। 2 घंटे तक मैं आपका वेट कर रही थी। अब ऐसे मत बोलिए, बुलाइए ना उन्हें। ये ड्रामा बंद कीजिए, बहुत सताया आप लोगों ने, अब बहुत हो गया। कृष्णा, पानी प्लीज मेरी बात सुनो, सच कह रहा हूं, बच्चे किडनैप हो चुके हैं। नहीं, मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करते। आज कि आप शकुन है कृष्णा अथर्व, जब प्लीज नीचे आओ, मैं नहीं डांटूंगी तुम्हें। बेटा, बेटा प्लीज नीचे आओ। कृष्णा बेटा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे बच्चे किडनैप हो गए। मुझे यहाँ इतने दूर तुमने क्यों बुलाया है? तुम जानती हो घर में क्या हुआ? इस वक्त मेरा वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। परानी, आपका यहाँ पे होना भी बहुत जरूरी है। हमने जो भी प्लान किया था वो सब फ्लॉप हो गया है। अब जल्द से जल्द हमें दूसरे प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। प्लान तो फ्लॉप हो गया आरुषि, इतना अच्छा मौका था। जय भैया अकेले बैठे थे, बानी भी नहीं थी। मैं सबूत लेकर उनके पास पहुंची थी और ये किडनैपिंग। एक बात कहूं आंटी, आपको देखकर लगता नहीं इस किडनैपिंग का आप पे कोई असर है। क्या मतलब है तुम्हारा आदेश? मतलब साफ है कि डायन भी साथ घर छोड़ के डाका डाल दी। आपने तो अपने ही घर में डाका डाला है। वाह, व्हाट अ प्लान। बच्चों को किडनैप करा? हाँ, वैसे दाद देनी पड़ेगी आपके कमीने पन की। बदतमीज लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही गाली दो? अरे तुम्हारी और मेरी दुश्मन पानी है, इसलिए मैंने तुम जैसी घटिया लड़की के साथ हाथ मिलाया। वरना तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने खड़े रहने की? हाँ, पानी से मैं नफरत करती हूँ, लेकिन अपने छह भैया से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अपना बच्चा देने के लिए अपने भाई का इस्तेमाल करूँ। आप भी उनके बच्चे भाई थे, लेकिन मेरे छह भैया के लिए है। अगर अपने भाई से प्यार करूँ तो उनके बच्चों से भी प्यार करूँ। इसलिए सारी छुपाइयां तुम्हें क्यों दे रही हूँ? जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी औकात ही नहीं है। गलती की मैंने तुमसे हाथ मिलाकर। एक बात का अनुसार सुनने ना रुचि, इससे पहले भी तुमने मुझे बहुत ही अपना दुश्मन बना दू। अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि होटल मिस्टर जयवालिया के बच्चों का अपहरण हो गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे ड्राइवर के साथ घर लौट रहे थे, तभी कुछ कारण से उनका रास्ता रोका। ड्राइवर ने निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों ने उसे फिर परवार किया, जिसकी वजह से वे बेहोश हो गए।
जब ड्राइवर को होश आया तो बच्चे वहां से गायब। बच्चे किडनैप? देखिए मिस्टर वालिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनका फोन किसी भी वक्त आ सकता है। देखिए प्लीज, आप लोग सब तैयार रहिएगा, उन्हें जरा भी पता नहीं लगना चाहिए कि पुलिस आपके साथ है। का फोन ऑन कर। हेलो मिस्टर वालिया, आई थिंक अब तक आप समझ चुके होंगे कि आपके बच्चे किडनैप हो चुके हैं। क्या चाहिए थी? पैसा। दलील सिंपल, मुझे 3 करोड़ रुपए दे दीजिए और अपने बच्चों को वापस ले जाइए। गारंटी क्या है कि पैसे मिलने के बाद तुम बच्चों को छोड़ दोगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि आप कोई होशियारी नहीं करेंगे, पुलिस को नहीं बुलाएंगे? मैं वादा करता हूँ कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। आपने तो वादा करने से पहले ही तोड़ दिया मिस्टर वालिया, क्योंकि इस वक्त पुलिस आपके हाथ में है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी कॉल ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। 40 सेकंड में आप पता लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। और अब तो हमारी बात को 1 मिनट से ज्यादा हो गया है, मुझे अब तक ट्रेस भी किया जा चुका होगा। अब पहले आप ये सब निपटा लीजिए, देन वी विल टॉक। आराम से बात करें। बाय। ये सब क्या है? ये बात उसे कैसे पता? मिस्टर वालिया प्लीज, प्लीज कुछ कीजिए, हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। मिस्टर वालिया, मुझे अभी मालूम हुआ कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, कितने पर करने पड़ते हैं। हमें पता चल चुका है कि उसने कहाँ से उसने वाल लिया। उसका नंबर है 02-456-3455। एक मिनट, नंबर जरा फिर से बोलो। 456-3455। मेरे घर का